हेलो। तो लेके आ चुकी मैं आप लोग के लिए एक और नई रेसिपी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फेमस पाकिस्तान की रेसिपी। ये पाकिस्तान की रेसिपी है मुमताज़ मटन। तो आप लोग एक बार इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। तो आओ मैं आप लोग को इसकी रेसिपी बताती हूँ। तो इसके लिए मैंने ले ली एक कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने डाली हूँ 2 कप के बराबर मैंने तेल डाल सॉरी पानी डाली इसके अंदर कढ़ाई में। फिर पानी को हम लोग थोड़ा सा एकदम हल्का गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा जैसे गर्म होगा पानी तो उसके अंदर हम लोग मैंने 8 एकदम छोटे छोटे साइज़ के प्याज ली थी। अगर आप लोग के पास मीडियम साइज़ के हैं तो आप लोग 4 ही लो। तो मैंने बहुत छोटे थे मेरे, इसके लिए मैंने 8 ली हूँ। तो उसको मैंने कट करके इसके अंदर ऐड कर दी हूँ। और अब मैंने 10 से 12 बादाम ले ली हूँ, उसको मैंने पहले अच्छे से वॉश कर ली हूँ। फिर उसके बाद इसके अंदर ऐड करी हूँ। और अब मैंने ली हूँ 6 से 7 हरी मिर्ची। तो हरी मिर्च और बादाम और प्याज को हम लोग पानी के साथ में अच्छे से मिला लेंगे। पहले इसको थोड़े देर के लिए उबाल लेना है हम लोग प्याज को और बादाम को और ये हरी मिर्च को, इसको उबाल लेना है पानी में। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से हाई फ्लेम पे इसको उबालना है जब तक के वो बादाम के छिलका जो है वो जब तक का अलग ना हो जाए बादाम से तब तक का इसको उबालना है। और प्याज भी जब तक का गल ना जाए तब तक का इसको ऐसे ही उबालते रहना है। तो ये देखिए मेरा जो है वो रेडी हो चुका है और जो मिर्ची है वो भी बहुत ही सूख चुकी है, मतलब पतली हो चुकी है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। इसको ये मेरा जो है रेडी हो चुका है उबल के। इसको ज़्यादा नहीं उबालना है, बस इतना करना है कि जो हमारा बादाम प्याज और मिर्ची है वो थोड़ा गीला हो जाए, इतना बस इसको करना है। तो ये मेरा हो चुका है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी और अब हम लोग इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं हमारे मटन की तरफ। तो मटन मैंने 1 केजी ले ली थी। अब 1 केजी मटन में मैं पहले उसको वॉश कर लिया अच्छे से, उसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं इसको अच्छे से ऐड कर दूँगी इसके अंदर। फिर इसके बाद मैंने ऐड करी उसके अंदर 1 कप मैंने दही ली थी। दही भी मैंने इसको इसके अंदर ऐड कर दी हूँ। दही पानी वाला नहीं लेना है, एकदम बिल्कुल सूखा दही होना चाहिए। फिर अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। ये सब भुने हुए मसाले हैं, भुन के इसको मैंने पीस लिया है। इसमें है 2 चम्मच धनिया है, 1 चम्मच जीरा मरीच है, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर है। उसको मैंने पहले भून ली थी अच्छे से और उसके बाद उसको दरदरा पीस ली थी। और 1 चम्मच इसके अंदर नमक है, आप स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिएगा जितना आप लोग को लगता है। तो मैं अब ये जो मसाले हैं सब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो इसको हम लोग रेडीमेड नहीं लेना है, ये सब मसाले जो मैंने भून के पीसी हूँ वो सब रेडीमेड नहीं लेना है, इसको घर पर ही बनाना है। अच्छे मसाले को पहले भून लेना है अच्छे से, जीरा और सब अलग अलग भूनना है और अलग अलग पीसना है सबको। आप लोग चाहे तो साथ में भी पीस सकते हैं। तो इसको हम लोग इसके अंदर मिला देंगे मटन के अंदर, दही और बाकी सब जो मसाला है वो सब इसके अंदर मटन के अंदर अच्छे से मिला देंगे। तो अब हम लोग उसको साइड कर देंगे। और अब ये देखिए जो मेरा बादाम था मैंने उसके अच्छे से छिलके निकाल लिए उसके ऊपर के, और जो मिर्ची है वो भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और जो प्याज था वो भी हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम लोग बारीक पीस लेंगे। ये तीनों चीज़ को हम लोग मिक्सी जार में बारीक पीस लेंगे। ये देखिए इसको बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से इसको बारीक पीस लेना है। तो अब मैं इसके अंदर कुछ गरम मसाला ऐड करूँगी। तो उसमें मैंने ली हूँ 3 तेज़पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 3-4 छोटी इलायची, 5 लौंग और 2 दालचीनी की लकड़ी। तो ये मैंने ले ली हूँ। और अब मैंने ले ली हूँ 1 कुकर। कुकर में मैं ऐड करूँगी 2 कप तेल, 2 कप के बराबर मैंने तेल ले ली हूँ इसके अंदर। मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ करी हूँ। आप लोग भी रिफाइंड ऑयल का ही यूज़ कीजिएगा ज़्यादातर, क्योंकि अगर आप लोग सरसों के या फिर दूसरी तेल में बनाते हैं तो ये उतना अच्छा नहीं आएगा, उसका जो सरसों का तेल होता है उसका टेस्ट आएगा इसके अंदर। इसके लिए बोल रही हूँ मैं रिफाइंड ऑयल ज़्यादा बेहतर होगा इसको बनाने के लिए। तो अब हम लोग ले लेंगे 1 तेज़पत्ता और जो बाकी सब हमारा गरम मसाला था, 3 तेज़पत्ता और जो बाकी सब हमारा गरम मसाला था उसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हूँ। ये देखिए तो सब गरम मसाले को ऐड करने के बाद हम लोग थोड़ा इसको फ्राई करेंगे गरम मसाले को। हम लोग इसको कम से कम 30 सेकेंड्स के लिए इसको फ्राई करेंगे इसके ऊपर तेल में, हाई फ्लेम पर हम लोग इसको 30 सेकेंड्स के लिए फ्राई करेंगे मसाले को। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से मसाले को फ्राई करना है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, पाकिस्तान की बहुत ही फेमस रेसिपी है। तो मैंने एक बार ट्राई भी करी थी घर पे, तो मैंने सोची कि आप लोग को भी अपने व्यूअर्स जो है उनको भी शेयर करती हूँ ये रेसिपी। आप लोग स्टार्टर्स में इसको रख सकते हैं, कोई भी पार्टी फंक्शन में या फिर कोई भी त्यौहार में आप लोग इसको रख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इस रेसिपी को। बहुत ही टेस्टी रेसिपी होती है और जिनको मसाला खाना पसंद नहीं होता उनके लिए तो बहुत ही बेहतर रेसिपी है ये। जिनको मसाला पसंद नहीं होता, नमक
सॉरी जिसको मतलब हल्दी और मिर्ची ये सब पसंद नहीं होता है ना, तो उनके लिए बहुत ही बेहतर रेसिपी है ये, तो आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करना इसको। तो अब मेरा जो गरम मसाला था वो थोड़ा फ्राई हो चुका था, तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हूँ, जो हमारा मटन था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हूँ। और अब मटन डाल के हम लोग इसको अच्छे से चला लेंगे, ताकि जो मसाला और तेल है वो सब अच्छे से एक साथ में मिक्स हो जाए। तो जब हम लोग डालते हैं ना इसके अंदर, जब मटन ऐड कर देते हैं, तो अपने आप ना 30 सेकेंड्स के बाद अपने आप से ही तेल जो रहता है वो अलग होने लगता है, तो उसके लिए कोई टेंशन आप ना लें। तो ये जो तेल है वो पहले से ही अलग रहता है, उसमें तेल में ज़्यादा मसाला मिक्स नहीं होगा, वो जो मसाला है वो चिकन मटन में ही चिपका रहेगा। तो इसको मैंने अच्छे से मिला ली हूँ, ये देखिए तेल हमेशा इसका अलग ही रहता है। तो आप लोग चाहे तो बाद में इसको तेल को अलग भी कर सकते हैं, अगर आप लोग को तेल पसंद नहीं है तो। तो मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, मैंने 1 कप इसके अंदर पानी ऐड करी हूँ, और फिर पानी ऐड करने के बाद भी हम लोग इसको अच्छे से चला लेंगे बिल्कुल इस तरह से, ये देखिए। तो इसको बिल्कुल अच्छे से हम लोग चला लेंगे, और चलाने के बाद हम लोग कुकर का ढक्कन लगा देंगे, और इसको कुकर के ढक्कन को अच्छे से बैठा लेना है पहले लगा के, ताकि जो सीटी है वो अच्छे से लग जाए हमारी। तो फिर इसको ढक्कन लगाने के बाद हम लोग 5 से 6 सीटी लगा लेंगे, ताकि जो हमारा मटन है वो अच्छे से गल जाए। तो मेरा जो 5 से 6 सीटी लग चुका है, और ये देखिए जो पानी है वो भी सूख चुका है पूरा। और मैंने आप लोगों को बोली थी ना, इसका जो तेल है वो अलग ही रहेगा, वो चिकन में नहीं चिपक सॉरी मटन में नहीं चिपकता है। तो अब हम लोग इसको मिला लेंगे अच्छे से, ताकि जो मसाला है वो वापस से एक बार मिक्स हो जाए मटन में। इसको मैंने अच्छे से मिला ली हूँ, ये देखिए। और अब मैं इसके अंदर जो हमारा मसाला था बादाम प्याज और मिर्ची का जो हम लोग ने पीसे थे वो इसके अंदर पूरा ऐड कर दूंगी। अब उसको ऐड करने के बाद हम लोग इसको अच्छे से वापस से अच्छे से चला लेंगे, पूरा मसाला अच्छे से मिला लेंगे मटन में। इसमें कोई भी मसाला नहीं है, कोई भी झंझट नहीं है, बहुत ही जल्दी बन के तैयार होती है रेसिपी। जिनको मसाला नहीं पसंद है उनके लिए तो ये रेसिपी मैं यही रेसिपी सजेस्ट करूँगी, जिनके लिए जिनको मतलब मसाले का खाना पसंद नहीं है उनके लिए यही रेसिपी बेस्ट है, बेस्ट ऑप्शन है। तो अगर आप लोग को मसाला वसाला बिल्कुल पसंद नहीं है तो आप लोग इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ना इसमें मिर्ची ना इसमें हल्दी है, ज़्यादा मसाला नहीं है इसके अंदर, बस थोड़े मसाले में बनके तैयार होती है, और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, पाकिस्तान की बहुत ही फेमस भी रेसिपी है। अगर आप मेरे कोई पाकिस्तानी व्यूअर्स है तो उनको पता ही चल गया होगा कि ये कितनी फेमस है पाकिस्तान में, और कितनी टेस्टी रेसिपी होती है, और पाकिस्तानी इसको पसंद करते हैं। तो आप लोग भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको अपने घर में। तो अब हम लोग इसको अच्छे से चला लेंगे, मेरा जो मटन है वो गल चुका है, तो अब मैं इसको अच्छे से चला चुकी हूँ, और इसको थोड़े देर के लिए हम लोग छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम करके। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 3 हरी मिर्च मैंने ले ली थी, उसको पहले अच्छे से वॉश कर ली उसकी डंडी तोड़ के, और उसको थोड़ा सा बीच में से ऐसे थोड़ा सा कट लगाऊंगी, आधा पूरा कट नहीं करूँगी, अलग नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा कट लगा के इसके अंदर डाल देना है। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा धनिया बारीक कटा हुआ ऐड कर रही हूँ खुशबू और टेस्ट के लिए। तो इसको ऐड करके थोड़ा सा हम लोग इसको मिला लेंगे, ताकि जो धनिया है वो सब मटन में मिक्स हो जाए अच्छे से, इससे धनिया से ना मटन थोड़ा अच्छा दिखने लगता है हमारी सब्ज़ी। तो इसके लिए मैं इसको ऐड करती हूँ। तो अब मेरा जो है वो रेडी हो चुका है, अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे दूँगी, मेरा ऑलमोस्ट पूरा रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे दूँगी हमारे मटन को, मैंने फ्लेम को कर दी हूँ बंद। तो ये देखिए जो उबाल है वो भी अब थोड़ा शांत हो चुका है। अगर आप लोग को तेल ज़्यादा लगे तो आप लोग तेल बाद में अलग भी कर सकते हो इसका। तो अब देखिए मैं इसको निकाल के सर्व करके आप लोग को बता देती हूँ। आप लोग इसको रोटी चपाती चावल किसी के ऊपर भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब रोटी चपाती सबके ऊपर ही अच्छा लगेगा। आप लोग ट्राई कर सकते हो, पराठे के ऊपर भी ट्राई कर सकते हो आप लोग। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना आप। और मेरे पिछले वीडियो पे आप लोग ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, तो इस वीडियो पे भी बहुत ही ज़्यादा प्यार देना, और इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करके जाना, और कैसी लगी आप लोग को वो कमेंट में बता देना। तो देखिए कितनी जल्दी टूट जा रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमारा मटन है वो गल चुका है, देखिए माशाल्लाह।
बहुत ही अच्छा कलर वलर सब आया है। तो अगर आप लोग को मसाला पसंद नहीं है तो इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना, और अगर आप लोग के घर में किसी को भी मसाला पसंद नहीं है तो इसको एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर करना, और मुझे कमेंट बताना कि आप लोगों को कैसी लगी रेसिपी। और ऐसी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरा वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए वो भी बताओ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।